आपकी टीवी स्क्रीन पर बड़ी खबर, पशुपालकों की गुंडागर्दी सामने आई है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, निगम टीम से हाथापाई कर तीन मवेशी छुड़ाकर ले गए। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पशुपालकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। पशुपालकों से हाथापाई में पुलिसकर्मी घायल बताया जा रहा है। लाठी डंडों से लैस होकर ये पशुपालक आए थे। वीडियो बना रहे निगम कर्मी का मोबाइल भी उन्होंने छीन लिया, ये जानकारी सामने आ रही है। तो हिसार से बड़ी जानकारी है पशुपालकों की, जहां पर गुंडागर्दी देखने को मिली है। निगम टीम से हाथापाई करते हुए अपने 30 मवेशियों को वो छुड़ा ले गए। पशुपालकों से हाथापाई की गई और इस हाथापाई में जानकारी सामने आ रही है कि पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गया है। और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि लाठी डंडों से लैस होकर ये पशुपालक आए थे। वीडियो बना रहे निगम कर्मी का मोबाइल भी उन्होंने छीना है। तो हिसार में पशुपालकों की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां पर ये पशुपालक निगम की टीम से अपने पशु छुड़ाकर ले गए। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उन्होंने ये पशु छुड़ाए। तो हरियाणा न्यूज पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी देख रहे हैं, और इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से आप ये देखिए और ये समझिए किस तरीके से यहां पर हिसार में पशुपालकों की गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। उन्होंने पुलिसकर्मी को कुछ नहीं समझा, पुलिसकर्मी के साथ हाथापाई की है, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल भी बताया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अनूप जुड़ गए हैं। अनूप, पूरा मामला ये क्या है? देखिए, हिसार का ये मामला है और यहाँ पर एक कहावत सार्थक हो रही है कि चोरी और सीना जोरी। एक तो पशुपालक जो है पहले सड़कों पर पशुओं को छोड़ देते हैं, जो आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ तक कि पर इन पशुओं के कारण एक व्यक्ति की जान जा चुकी है और एक युवती को बुरी तरह से रौंदा जा चुका है। उसके बाद जब निगम प्रशासन द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई गई कि जो आवारा और बेचारा पशु उनको पकड़ा जाए, तो जिनके पशु हैं उन्होंने उन निगम के लोगों पर हमला किया और पशु छुड़ा कर ले गए। अब शहर के लोगों के लिए जी का जंजाल बना हुआ है कि एक दूध निकालने के बाद पशुओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं, और निगम अगर उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहता है तो वो मतलब गुंडागर्दी दिखाते हुए अपने पशुओं को छुड़ा करके ले जाते हैं। जी यार, चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि हिसार में ये समस्या लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है और इस समस्या का समाधान नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पशुपालक हैं वो दूध निकालने के बाद अपने पशुओं को खुलेआम छोड़ देते हैं, और ठीक इसी तरीके से कई दफा ये घटना सामने आ चुकी है, कई हादसे सामने आ चुके हैं जहां पर ये जो पशु हैं लोगों को रौंदते हुए, लोगों को मारते हुए भी दिखाई दिए, और इस कई घटनाओं में, कई हादसों में लोग घायल होते हुए भी दिखाई दिए। तो वीडियो बना रहे निगम कर्मी का मोबाइल तक छीन लिया, पशुपालकों की गुंडागर्दी यहां पर देखने को मिली, और इस समस्या जी का जंजाल लोगों के लिए बनी हुई है। समस्या का समाधान कब होगा ये कुछ कहा।